Hello, namaste and welcome to the channel. I hope you all are doing good and doing great at your own places. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीम पाउडर से कैसे फेस पैक बनाया जाए साधारण तरीके से आसानी से कि अपने कील मुहासे तो दूर हो ही जाए बल्कि जो साइन ऑफ एजिंग रिंकल आ जाते हैं स्किन थोड़ी लटकने लगती है स्किन में थोड़ा खिंचाव कम हो जाता है उसको कैसे बरकरार रखा जाए और कैसे अपनी जो स्किन है उसका जो एक्ने स्कार्स वगैरह ब्लैमिश वगैरह हो गए हैं उनसे अपने को छुटकारा मिल जाए और वो भी कम कीमत में आसानी से। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है नीम पाउडर वो तो लेना है ही। नीम पाउडर मैंने तो मार्केट से परचेज किया है बट अगर आप चाहते हैं घर पे बना ले तो नीम लीफ लीजिए उनको सुखाइए और उनका पाउडर बना लीजिए। और फिर भी अगर नीम सुखा लीफ सुखा नहीं पा रहे हैं तो आप जो नीम लीफ है उनको लीजिए और उनको क्रश कर लीजिए उनका एक अच्छा सा जो है पेस्ट अपने को मिल जाएगा। आप उनको जार में मिक्सर में घुमा सकते हैं उससे अपने को एक पेस्ट मिल जाएगा आप वो भी उपयोग में ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को नीम पाउडर ही लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच नीम पाउडर डालेंगे उसके अंदर अपने मिक्स करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही कॉमन चीज है जो हर हाउस होल्ड में मिल जाती है और बहुतायत से उपयोग भी करी जाती है। फेस में जो प्रॉब्लम हो जाती है स्किन जो प्रॉब्लम रहती है उनको दूर करने के लिए तो उसमें अपने 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का मिक्स करेंगे और मुल्तानी मिट्टी और नीम पाउडर के साथ मिक्स करेंगे हनी शहद। मैंने यहाँ जो शहद लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये बहुत अच्छा शहद है मैं इसका एक पूरा बॉटल खत्म कर चुकी हूँ होम रेमेडीज यूज करते करते। तो आप ये वाला शहद मैंने लिया है आपको अगर कोई और अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बताया तो आप वही वाला यूज करोगे। हनी आप इसमें मिक्स कीजिए और फिर इसको मिलाने के लिए रोज वाटर का उपयोग करिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। पर अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप यूज कीजिए मिल्क का या फिर दही का कर्ड का। तो ये सारी ही चीजें अपनी किचन में अवेलेबल रहती है ऑल द टाइम तो आप इनको मिक्स करिए। नीम एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला है और इसमें विटामिन सी भी होता है। ये अपनी स्किन में जो एजिंग के साइन आ जाते हैं उनको भी डिले करने के काम आता है। और जो मुल्तानी मिट्टी है ये एक्सेस जो ऑयल रहता है एक्सेस ऑयल जो अपनी स्किन प्रोडक्शन जिसका करती है उसको दूर कर देगा और मुल्तानी मिट्टी स्किन की जो एक्ने स्कार्स वगैरह है उनको क्लियर करने के भी काम आता है। और जो हनी है ये बिल्कुल अपनी स्किन में जो मॉइस्चराइजेशन की जरूरत रहती है हाइड्रेशन की जरूरत रहती है उसके काम आता है। तो स्किन को एक अच्छी सी ग्लो भी शहद देता है इसके लिए अपने इसमें शहद मिला रहे हैं। तो इन तीनों चीजों को मिलाइए फिर उसको पेस्ट बनाने के लिए आप गुलाब जल का उपयोग कीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर ऑयली नहीं है ड्राई है तो आप मिल्क का यूज कीजिए या कर्ड का यूज कीजिए। इसका एक पेस्ट बनाइए और अपनी स्किन पे 20 मिनट के लिए रखिए। गर्दन को अवॉइड नहीं कीजिएगा क्योंकि गर्दन का कलर अलग हो जाता है अगर अपने फेस पे ज्यादा कुछ लगाते हैं और गर्दन को अवॉइड करते रहते हैं तो गर्दन पे भी लगाइए और 20 मिनट रखने के बाद इसको आप धो लीजिए। अगर आप लगातार 10 दिन तक और एवरी ऑल्टरनेट डे इसको लगाते हैं तो बिलीव मी आपके जो एक्ने हैं वो चले जाएंगे धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो भी फेड होने लगेंगे। तो नीम के और भी बहुत सारे जो फेस पैक है कैसे बनाए जा सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।